फिल्म्स में हम सूर्य हो आप देख रहे हैं सिनेमा क्रेजी। इसमें साथ फिल्म मौजूद है फिल्मी सिकंदर। फिल्मी सिकंदर आपसे जानना चाहेंगे, आपने हाल ही में एक फिल्म देखी, आपने कहा नागा चैतन्य की देखी, नागा चैतन्य का देखा था, राशि खन्ना की ऑक्सीजन फिल्म ना, ऑक्सीजन गोपी चंद राशि खन्ना की फिल्म थी, हाँ माफ करना। और मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ज्योति कृष्ण ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, ये फिल्म कैसी लगी थी आपको और कितनी अच्छी फिल्म है? फिल्म बहुत अच्छी है। गोपी चंद इसमें एक पिक्चर है, एक थ्रिलर है और एक अच्छा मैसेज के साथ पिक्चर बनाया गया है। और मिसेज ये पिक्चर में फाइटिंग स्क्रीन जो बताया ना, फाइटिंग अपना गोपी चंद का एक नंबर है। मूवी बहुत अच्छी है, सबको देखनी चाहिए। और इसमें हिंदी मतलब की गोल्ड माइंस और आदित्य पे नहीं आया, ये यूसुफ रोजर्स आप लोग डोन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, मेरे को ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये फिल्म की ऐसी क्या खास बात है या क्या स्टोरी, क्या थोड़ा सा बताइए कौन सा जेनर है क्या है? इसका स्टोरी यही है कि गोपी चंद का जो फैमिली रहता है उसका एक भाई होता है जो कि सिगरेट का आदत रहता है उसको, तो उसको कैंसर हो जाता है सिगरेट पीते पीते, तो उसके ऊपर स्टोरी बताया गया किस तरह का कैंसर, मतलब एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश किया, चाहे वो गुटखा हो, सिगरेट हो, दारू हो, मतलब अल्कोहल को लेकर नशे के ऊपर बताया गया कि देश में कैसा कैसा इन्फेक्शन करता है ये नशा, किस तरह लोग मर रहे पीपा के, उसको लेकर बताया स्टोरी, मतलब एक मैसेज देने की कोशिश। हमारे देश की युवाओं को देखने की जरूरत, युवाओं को देखना चाहिए, मतलब युवा क्या हर इंसान को देखनी चाहिए, चाहे बुढ़े हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो या बच्चे हो, सबको ये मूवी देख के एक मैसेज लेके सीखना चाहिए एक मैसेज। तो राशि खन्ना किस तरह का रोल था? राशि खन्ना का रोल अच्छा है, वो क्योंकि विलन की बेटी का किरदार निभाई है, जो मेन विलन उसी की लड़की है। अच्छा अच्छा। और इनमें दो हीरोइन है, एक का नाम नहीं जानता हूँ, अच्छा वो मर जाती है। पिक्चर बहुत अच्छा है, गोपी चंद के मूवी मैं देखता ही हूँ, बहुत अच्छा एक्शन रहता है उनका। उनका एक मूवी था पुराना सत्य गर्ग, मैं बहुत कम से कम 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं सत्य एक मूवी देखी थी, वो भी मूवी अच्छी थी, तो मैं उनका फैन भी हूँ। और जगपति बाबू का भी इम्पोर्टेंट है, उनका एक सस्पेंस रोल है। अच्छा। सस्पेंस रोल है, मैं खोलूंगा नहीं ये सस्पेंस, क्योंकि ये सस्पेंस बहुत देखने लायक है। अच्छा देखने लायक, ये अगर खोली दूंगा तो समझो कि आपको मजा ही खाना। मेरे साउथ में एक बहुत अच्छे विलन के तौर पे जाने जाते हैं, ये भी है ना, वो हो गया प्रतिभा को, एक अच्छा विलन भी, बहुत अच्छा विलन है, और पहले वो हीरो भी अच्छा रहे, हीरो का भी कैरेक्टर अच्छा, पहले पुरानी मूवी देख लो आप, बहुत अच्छा काम करते हैं, अभी तो विलन ही खास करके आते हैं। तो ये करीबन 2017 की आई थिंक फिल्म, थोड़ी पुरानी लेकिन क्या मतलब 6-7 महीना हाँ। कुछ अभी डब मतलब पूरा सही अच्छा, से नहीं आया, डब अभी आया जाके, मतलब खोजोगे ना पागल हो जाओगे, जल्दी नहीं मिलेगा क्योंकि अच्छा, इसी ब्राउज़र में एक वेबसाइट में ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, एक अच्छा, डाउनलोड कर, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए कि अगर ऑक्सीजन फिल्म देखनी या नहीं देखनी है तो आप ये कहोगे कि भाई देखो फटाफट, साउथ का अगर प्रेमी हो आप लोग, मोहब्बत करते हो साउथ मूवी से, आप लोग जरूर देखो, बहुत अच्छी मूवी है। आखिर में रेटिंग क्या देनी चाहेंगे? 5 स्टार दूंगा और गोपी चंद को 5 दूंगा स्टार, क्योंकि मूवी बहुत अच्छा है, मैसेज अच्छा है इसमें, मैसेज आना, और साउथ की मूवी में खास करके मैसेज वाली ही मूवी आती है, और डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन हो साउथ का अच्छा रहता है। कितनी बड़ी फिल्म लगी आपको? 2-2.5 घंटे कितने? नहीं वो पिक्चर के बाद तो कभी होता है गाने, मतलब 2 घंटा 5 मिनट की मूवी है, गाने हटा दो दोस्तों, आप देख सकते हैं फिल्म। और जैसे भाई कह रहे हैं मैं भी एक बार देखूंगा जरूर ऑक्सीजन मूवी, आपसे यही कहना चाहूंगा आप चाहते कि हम कोई भी साउथ फिल्मों का रिव्यू करें तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम वो फिल्म जरूर देखेंगे। हाल ही में एक फिल्म की दिया नामी कोई फिल्म है, शायद कन्नड़ा फिल्म लोग बात कर रहे हैं, हाँ मैं उसको देखूंगा, और जो भी आप दिया हाँ, तो जो हाँ मैंने देखा हॉरर मूवी है। अच्छा ठीक है, तो जैसे भी जो भी खबरें आप कहेंगे, जो भी पिक्चर को कहेंगे कि हम देखें तो हम वो फिल्म देखेंगे और आप तक सिनेमा क्रेज पर पहुंचाते रहेंगे। बस यही करिए, सपोर्ट करिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करिए, क्योंकि नॉर्थ साइड से साउथ फिल्मों का रिव्यूज बहुत कम देते हैं और हम कोशिश करेंगे हर तरह से आपको नई नई फिल्मों के भी रिव्यूज दे और जो क्लासिकल फिल्म है, जो अच्छी फिल्म है साउथ की, उसे प्रमोट करें हमारे चैनल पर। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।